हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। 2019 चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तभी से राजनीति और बॉलीवुड के बीच नजदीकियां बढ़ गई हैं। वैसे तो हर बार चुनाव से पहले ऐसा देखा जाता है, लेकिन इस बार की बात ही कुछ और है। बॉलीवुड का हर एक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और दोनों खान यानी शाहरुख और सलमान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी खबर हमारे हाथ लगी है। खबरों की माने तो तीनों मोदी सरकार के साथ मिलकर उर्दू भाषा को प्रमोट करने वाले हैं। यानी कि केंद्र सरकार अब उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड की ताकत का इस्तेमाल करने जा रही है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की माने तो शाहरुख, सलमान और कैटरीना जैसे सुपरस्टार्स उर्दू भाषा को इंडोर्स करेंगे और जल्द ही ये तीनों स्टार्स उर्दू भाषा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाते नजर आने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों की ही फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है, इसलिए इन तीनों का लोगों से काफी जुड़ाव नजर आता है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने सलमान, शाहरुख और कैटरीना का नाम उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आगे किया है, लेकिन लगता है इस खबर को सुनकर लोग खुश नहीं हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से ऐसी खबर आई है तभी से सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं लोग। एक यूजर ने लिखा, उठा ले भगवान, बस अब यही पढ़ना बाकी था। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, कैटरीना कैफ, इट इज लाइक चाइनीज मैन प्रमोटिंग इंग्लिश। वहीं एक का कहना है, बिफोर आस्किंग कैटरीना टू प्रमोट उर्दू, प्लीज मेक श्योर शी कैन स्पीक हिंदी प्रॉपरली। तो देखा आपने, इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ी नजर आ रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि ये तीनों मिलकर उर्दू लैंग्वेज को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं।